है। अब बात करते हैं इसकी लीगैलिटी के ऊपर। क्राउड फंडिंग से धन जुटाना आसान माना गया है। इस पे सेबी ने भी सहमति जताया है और इसके लिए बाकायदा अपने गाइडलाइंस जारी किए हैं। आप क्राउड फंडिंग के बारे में और इसकी पूरी गाइडलाइंस की रिपोर्ट इंटरनेट पे देख सकते हैं। आइए जानते हैं क्राउड फंडिंग कैसे होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। एज पर लीगल गाइडलाइन के मुताबिक क्राउड फंडिंग चार प्रकार के होते हैं। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, डेब्ट यानी लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग, डोनेशन या हेल्प बेस्ड क्राउड फंडिंग और चौथा है रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। आइए ये चारों क्राउड फंडिंग किस प्रकार के होते हैं वो जानें। इक्विटी बेस्ड और लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग, जिसमें मॉनेटरी रिटर्न देने का कमिटमेंट होता है, यानी फंडिंग करने वाले लोगों को रिटर्न देने का वादा किया जाता है। इस प्रकार के क्राउड फंडिंग करने के लिए अलग अलग देशों में अपने कायदे कानून होते हैं, इसलिए कोई भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म मॉनेटरी रिटर्न चुकाना पड़े इस प्रकार की प्रोजेक्ट रखने की परमिशन नहीं देता है। लेकिन तीसरा और चौथा क्राउड फंडिंग, जो एक डोनेशन या हेल्प बेस है और रिवॉर्ड बेस है, इसमें मॉनेटरी रिटर्न चुकाना नहीं पड़ता, जिसको हम लीगल और जेनुइन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिलने वाला फंडिंग डोनेशन या मदद करने के उद्देश्य से होता है, जो पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होता है, जिसमें मॉनेटरी रिटर्न चुकाने का कमिटमेंट नहीं होता। इसके बारे में अधिक जानकारी आप इंटरनेट या किसी लॉयर से प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये एक सोशल साइट है। सिस्टम सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। यह एक डोनेशन बेस्ड नॉन प्रॉफिटेबल सिस्टम है। यह कोई कंपनी या एजेंसी नहीं है। इसका कोई ऑफिस या ब्रांच नहीं। इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं। सिस्टम किसी से कोई पैसा नहीं लेती है। सिस्टम का काम डायरेक्ट डोनर और जरूरतमंद को आपस में मिलाना है और ये किसी से कोई कमीशन नहीं लेती। इसमें किसी भी प्रकार के घोटाले की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आम आदमी टू आम आदमी पैसे लेने और देने होते हैं, किसी कंपनी को नहीं देने होते। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।